वीडियो के एंड तक आते आते आप लोगों को कुछ इस टाइप का वेबसाइट देखने को मिलेगा, जो मेरा मैक्सिमम ऑफ द वेबसाइट है वो कुछ इसी टाइप का देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोग देखो क्या मक्खन वेबसाइट है, क्या मस्त वेबसाइट है। और मैं यहाँ पर गारंटी से बता सकता हूँ, इस टाइप का वेबसाइट भी अगर आप लोगों ने बना लिया और उस पर काम करना स्टार्ट किया ना, कोई भी नीश हो आपका, ट्रैवलिंग नीश हो, फूड नीश हो, कुछ भी नीश हो, ठीक है, इस टाइप का अगर आप लेआउट से ब्लॉग बनाओ ना, तो उसके ऊपर 110% एडसेंस मिलेगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर लीगल इश्यूज ना हो तो लीगल इश्यूज के लिए आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। एंड बाकी यहाँ पर बात करें रैंकिंग एसईओ वगैरह की, तो यार इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। देख सकते हो यहाँ पर हेडर कितना मस्त दिख रहा है, यहाँ पर मैंने मेनूज वगैरह कितना मस्त बनाया है, आर्टिकल लेआउट कैसा दिख रहा है, फुटर लेआउट आप लोग देख सकते हो। एंड साइड बार में भी देख सकते हो यहाँ पर टेलीग्राम वगैरह पे लगा है। अगर इसको मैं फोन वर्जन में कन्वर्ट करूँ तो ये कुछ इस टाइप का फोन में दिखेगा, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो ये होता है परफेक्ट ब्लॉग ही, ठीक है। इसका सिंगल पोस्ट भी अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर हम लोग एक सिंगल पोस्ट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये हेडर में एक ऐड आ रहा है, ये आर्टिकल टॉप में एक ऐड आ रहा है, एक इनलाइन ऐड आ रहा है और एक बॉटम में ऐड आ रहा है। और सोशल शेयरिंग प्लगइन भी देख लो कितना मस्त है, ठीक है। तो देखो यार, इस टाइप का वेबसाइट अगर आपको बनाना है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना पड़ेगा। बहुत ही लंबा वीडियो बनाया यार, कम से कम 1 घंटे का तो होगा ही होगा ये वीडियो। तो धैर्य रखो और चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाउ आई सेट अप माय वेबसाइट। देखिए यार, बहुत सारे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स और एसईओ रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आने के दिनों में, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू मुझे दिख रहा है, जो जितने भी सारे बिगिनर्स हैं, जितने भी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब उनका मैं वेबसाइट देखता हूँ, तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे जहाँ पर दिखता है कि उनके वेबसाइट के सेटअप के बारे में। यार देखो, इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तो देख लोगे या फॉलो कर लोगे, तभी अगर आपका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो इशू है। तो उनमें से सबसे बड़ा जो इशू लगा वो लगा वेबसाइट सेटअप के बारे में। तो अभी मैं अपने चैनल पे भी दिखा तो इस टाइप का कोई वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किया है, तो सोचा आप लोग के लिए एक और वीडियो बनाया जाए जिसके ऊपर, देखिए आप भले ही बिगिनर हो या एडवांस हो, कोई नहीं, आप इस वीडियो को देखिए, एटलास्ट हो सकता है कुछ आप लोग को नया सीखने को मिल जाए। एंड इवन अगर आप बिगिनर तो फिर तो भाई आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वीडियो। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक डेमो वेबसाइट सेटअप करके बताऊँगा कि मैं किस टाइप से, किस हिसाब से अपने ब्लॉग को सेट करता हूँ ताकि वो बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली रहे, रैंकिंग में कोई इशू ना आए, स्पीड में कोई इशू ना आए, एंड क्या कुछ टूल्स प्लगइन्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, वो सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं तो इस वीडियो को डाउनलोड या प्लेलिस्ट में ऐड करके रख दीजिए, बाद में जाकर देख लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वाला जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ बेसिकली वर्डप्रेस के ऊपर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग यहाँ पर हो जो वर्डप्रेस यूज नहीं करते, ब्लॉगर को ज्यादा प्रेफर करते। तो मैं कोशिश करूंगा blogger.com के ऊपर भी एक प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट करके उसके ऊपर भी एक और वीडियो लाऊं, ताकि जो लोग ब्लॉगर यूज करते हैं उनके लिए भी एक अलग सा ऑप्शन मिल जाए। डेफिनेटली देखता हूं मैं कितने कमेंट्स होते हैं, अगर कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स आया डेफिनेटली उसका वीडियो में मैं कल या परसों या तरसों में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को मैंने टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में सेटअप होंगे, दूसरे सेक्शन में कस्टमाइज वगैरह होगा, एंड तीसरे सेक्शन में एसईओ सेटिंग्स वगैरह होंगे। तीनों के तीनों सेक्शन आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज डोमेन एंड होस्टिंग प्लस नीश। देखो यार, नीश की बात करें तो नीश के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, यहाँ पर देख सकते हो। ये इवन आप दूसरे जो यूट्यूबर है उनका भी नीश के ऊपर वीडियोस देखकर वहां से आइडिया ले सकते हैं, या फिर अगर आपको खुद से नीश रिसर्च आता है तो वो आप पहले करके रख लीजिए, उसके बाद ही आप वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। वरना होता ये है भाई, हम वेबसाइट तो क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हमें कंटेंट नहीं मिलता, नीश डिसाइड नहीं कर पाता और बहुत सारे इशू होता है, ठीक है। तो नीश सिलेक्ट कीजिए। नाउ बात करें डोमेन एंड होस्टिंग की, तो देखो यार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी यहाँ पर न्यू बिगिनर्स लोग आते हैं ना, वो लोग हमेशा से ट्राई करते कि भाई चीप होस्टिंग मिले, हमें चीप होस्टिंग मिले, और उस वजह से वो लोग चले जाते 50 रुपया पर मंथ या फिर 50 रुपया में 1 साल का जो होस्टिंग वगैरह मिलता है, उन सब के चक्कर में पड़ जाता है, जिसके हिसाब से वो वेबसाइट जिंदगी भर रैंक नहीं करता, बिकॉज उनका सर्वर बहुत घटिया होता है, उनके आईपी एड्रेसेस सब के सब स्पैम से भरे हुए होते हैं। तो आपको ये जो है ना मेन हमारा नीव जो बोलते हैं ना, वो यही होता है, जहां पर हमें सबसे ज्यादा होशियारी से डिसीजन लेना है कि हम डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से लें। खैर डोमेन की तो बात छोड़ देते, वो आप कहीं से भी लो, आप वो सेम जगह से आते हैं, लेकिन बात करें होस्टिंग की तो देखो कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है होस्टिंग का जो मेरा एक्चुअली में फुलफिल होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उस होस्टिंग में SSD स्टोरेज होना चाहिए, दूसरा चीज़ उसमें फ्री का SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए,
तीसरा चीज उसमें प्रॉपर कंट्रोल पैनल होना चाहिए, एंड बाकी बैकअप वगैरह का भी वो हो ना हो तो भी चलेगा, बट कोई बात नहीं, वो ये होना तो होगा तो और बढ़िया। मैं यहाँ पर जो रिकमेंड करता हूँ एंड इवन मैं जो यूज करता हूँ दैट इज होस्टिंगर। देखो होस्टिंगर एक ऐसा कंपनी है अभी के टाइम में ना वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स है पूरे इंडिया के अंदर, और ये लोग जो है ना सबसे अफोर्डेबल प्राइस में सबसे बेस्ट बेस्ट चीजें देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा था कि भाई SSD स्टोरेज होना चाहिए और SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप लोग अगर होस्टिंग ले रहे हो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा होस्टिंगर का, होस्टिंग लो जो कि मेरे को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट देगा अगर मेरे एफिलिएट लिंक से लोगे तो। और इवन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर आपको फ्री का डोमेन नेम मिलता है .com/.in कुछ भी डोमेन नेम, तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर बाय पे क्लिक करते हैं, प्रीमियम वेब होस्टिंग को हम लोग पर करेंगे ऐड टू कार्ड में, एंड उसके बाद सिलेक्ट करेंगे इसको 12 मंथ के लिए। मेक श्योर आपको मिनिमम 12 मंथ के लिए सिलेक्ट करना है टू एलिजिबल फॉर ए फ्री डोमेन नेम, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर अगर कोई सा भी डोमेन नेम हम लेंगे लाइक, तो यहाँ पर देख सकते हो ये ब्लॉगी जो है ना ये अवेलेबल है, एंड यहाँ पर ये देखो 00 आ रहा है, इसका मतलब हमारा इसका जो टोटल प्राइस आ रहा है दैट इज 3,540 रुपया, एंड उसी के अंदर हमें डोमेन नेम भी मिल जा रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। खैर यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, पेटीएम UPI वगैरह किसी से भी पे कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पर परचेज करके रखा हूँ bloggy.in के नेम से, और मेरे पास इनका क्लाउड ग्लोबल जो इनका सर्वर है वो मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज अमेजिंग, तो इसी को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। ना डोमेन होस्टिंग हो गया है, ना बात करते क्लाउड फ्लेयर की। दोस्तों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैक्सिमम ऑफ द जो ब्लॉगर्स है न्यूबी ब्लॉगर्स है वो लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लाउड फ्लेयर बिल्कुल फ्री है एंड बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, एंड मैं अपने मतलब मोस्टली 99% जितने भी सारे वेबसाइट्स होते हैं उन सारे वेबसाइट्स में मैं क्लाउड फ्लेयर को मस्ट यूज करता ही करता हूँ। तो हम यहाँ पर हमारे होस्टिंग के अंदर चले जाएंगे पहले, एंड हमें यहाँ से आईपी एड्रेस कॉपी करना होगा, एंड यहाँ पर क्लाउड फ्लेयर के डैशबोर्ड से हमें पहले तो यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस देके सेव करना होगा ताकि हमारा जो डोमेन है वो होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाए। नाउ अगर आप लोगों को नहीं पता भी क्लाउड फ्लेयर को कैसे सेटअप करते हैं, तो यहाँ पर ब्लॉगिंग माफिया में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू सेटअप क्लाउड फ्लेयर, लिखोगे तो आपको फर्स्ट पोजिशन में दिख जाएगा, तो इस वीडियो को देखकर आप क्लाउड फ्लेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा, तो क्लाउड फ्लेयर इंस्टॉल करना मत भूलना। नाउ बात करते हैं इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम पे बहुत सारे छोटे मोटे चीजें जिनको ध्यान रखना होता है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले होस्टिंगर के इस पैनल से हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। सिंपली स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑटो इंस्टॉलर नाम का एक प्लगइन हमें देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। नाउ यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है वर्डप्रेस। नाउ देखिए वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन जो है ना वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ क्विकली। सबसे पहले यहाँ से आपको HTTPS सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ब्लैंक रहने देना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओवरराइड एग्जिस्टिंग फाइल्स पे क्लिक करके रखना है। एडमिनिस्ट्रेटर नेम पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एडमिन, जिसके थ्रू आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद पासवर्ड, देन एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस, देन वेबसाइट का टाइटल, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर ब्लॉगी लिख के रखते हैं ओनली, बाद में इसको चेंज कर देंगे, एंड बाकी सारी चीजों को हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम रखेंगे, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब सिंपली हम हमारे वर्डप्रेस पे लॉगिन करेंगे। साइट एड्रेस को एंटर करके हम लोग देखते हैं कि हमारा वर्डप्रेस कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे दिख रहा है। नाउ सिंपली यहाँ पर आपके वेबसाइट के साइड में आप WP-N ये लिख देंगे तो आपका लॉगिन डैशबोर्ड खुल जाएगा, एंड जो भी आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला था उसको देखकर आप लॉगिन कर लीजिए। पासवर्ड को आप सेव करके रखिए, इन फ्यूचर आप जब भी लॉगिन करें तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। नाउ इंस्टॉल करने के साथ ही साथ मुझे कुछ बेसिक सेटिंग्स करने होते हैं जो ऑलवेज मैं करता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये सारे कितने सारे कचरा भरा पड़ा हुआ है, तो इसको मैं सारे के सारे यहाँ से निकाल दूंगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये सारे के सारे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिंपली जाएंगे सेटिंग में, एंड उसके बाद जाएंगे रीडिंग में, एंड यहाँ से ये वाला चीज इनेबल करेंगे, बिकॉज मैं ऑलवेज करता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए भाई ये वेबसाइट सेटअप होने से पहले ही गूगल इसको इंडेक्स कर ले, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कर लेते तो जिसकी वजह से जो कंटेंट वगैरह वो फालतू का चला जाता है, तो मैं नहीं चाहता। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल वर्डप्रेस को क्लीन करना है, जो मैं करता हूँ हमेशा, हर जो थीम है प्लगइन है पोस्ट है पेजेस है जो बाय डिफॉल्ट बना होता है उन सभी को मुझे डिलीट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सारे पहले तो एक्टिव प्लगइन्स को मैं डीएक्टिव करूंगा, ना हमारा वेबसाइट बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब ये सब करने का रीजन क्या है, ये सब करने का रीजन ये है कि हमारा ब्लॉग जितना हल्का रहेगा MB के हिसाब से। नाउ मस्ट हैव प्लगइन्स टू इंस्टॉल, यहाँ पर ये कुछ प्लगइन्स है जिसको मैं ऑलवेज यूज करता हूँ और ये प्लगइन बहुत ही हेल्पफुल होता है बहुत ही ज्यादा, तो एक एक करके मैं सारे प्लगइन्स को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ, एंड बाद में आपको इसके सारे के सारे काम वगैरह वो सब दिखाऊंगा। तो पहले ही हमें यहाँ पर
जेट पैक मिल जाता है। अब ये जो दो प्लगइन है ना, ये बेसिकली एक्स्ट्रा प्लगइन है जो मैं यूज़ करता हूँ, किसी किसी वजह से मैं करता हूँ, किसी किसी में नहीं करता हूँ, जिसमें ज़रूरत होता है। तो आप लोग भी देख लेना, एक है ब्लॉक जिसमें मुझे एक्स्ट्रा कुछ ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है उसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, और दूसरा है डब्ल्यू पी मेन्यू आइकन्स जिसके थ्रू ये आइकन्स वगैरह जो है सेटअप होते हैं। ऐसे प्लगइन सारे के सारे हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए हैं ना। यहाँ पर हम लोग सारे प्लगइन को एक साथ इंस्टॉल नहीं करेंगे, बस इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे प्लगइन्स को हम लोग यहाँ पर एक्टिवेट कर लेंगे। ओके, सो नाउ हम लोग यहाँ पर सेकेंड स्टेप में चले आते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी कस्टमाइज वगैरह करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कस्टमाइज करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ कंटेंट चाहिए, तो बिकॉज हमारा जो ब्लॉग है वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है, कुछ भी यहाँ पर कंटेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा कुछ डेमो कॉन्टेंट। ओके, सो हमने कुछ कॉन्टेंट यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया, देख सकते हो किस टाइप का यहाँ पर दिख रहा है, अभी भी बहुत ही घटिया दिख रहा है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर इंस्टॉलिंग न्यूज़पेपर यानी कस्टमाइज करने के लिए। देखिए थीम के बारे में यहाँ पर बात करें, थीम आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए न्यूज़पेपर जो थीम है मेरा फेवरेट थीम है वही वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ, और ये प्रीमियम थीम है। अगर आपको फ्री वाला थीम चाहिए, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग फास्ट जो होता है, एसईओ फ्रेंडली होता है, उस थीम के लिए अगर आप थीम चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने चार सबसे बेस्ट एंड फास्टेस्ट थीम्स जो कि बिल्कुल फ्री है उसका लिस्ट दिया है, ब्लॉगिंग माफिया चैनल पर ही अपलोडेड है। तो इस वाले वीडियो को देखकर आप वहां से कोई भी एक थीम ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ अपना थीम। एंड दोस्तों देख सकते हो कितना फास्ट, मतलब जिस भी मैं किसी भी चीज पे क्लिक कर दूं कितना फास्ट ये लोड ले रहा है, और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि आप जो यहाँ पर होस्टिंगर का ही ये यूज करें, बिकॉज इनका जो है सर्वर बहुत ही फास्ट होता है, सिर्फ फ्रंट एंड से नहीं बल्कि बैक एंड से भी बहुत फास्ट होता है। तो ये यहाँ पर हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिए। नाउ आप लोग ध्यान दीजिएगा अभी के टाइम पे हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है, राइट, और फिर बाद में ये कैसा दिखेगा। तो सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं। नाउ यहाँ पर ये कुछ प्लगइन्स वगैरह को इंस्टॉल करने को बोलेंगे, तो मैं सिंपली कर लेता हूँ इसको। एंड देखो कितना कितना फास्ट हो रहा है, देखो ये किसी और होस्टिंग में करूँ ना तो इसका कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम लेता है ये, और यहाँ पर ये कुछ चंद एक मिनट भी नहीं लगा आई थिंक उसी के अंदर ये कंप्लीट हो गया। नाउ यहाँ पर हमें एक्टिवेट करना है इसका लाइसेंस देकर, तो हम लोग सिंपली एक्टिवेट थीम पे क्लिक करके हमारा लाइसेंस एंटर कर लेते हैं। तो थीम यहाँ पर बिल्कुल से हो गया रेडी। अब हम थोड़ा सा इसको विजिट करके देखते हैं कि किस टाइप का ये दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी भी हमारा बिल्कुल बेसिक सा दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी कस्टमाइजेशन वगैरह कुछ नहीं है। अब हम इसको एक एक करके कस्टमाइज करेंगे, बट कस्टमाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही लेंदी होगा। अगर आपको न्यूज़पेपर थीम के कस्टमाइजेशन में इशू आता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो कि 1 घंटा 23 मिनट का है, जिसमें मैंने न्यूज़पेपर के थीम के बारे में एकदम A to Z यहाँ पर डिस्कस किया है, काफी अच्छा वीडियो। तो इसको देखकर आप जो है यहाँ पर ये कर लेना, ठीक है। कस्टमाइज करने से पहले यार आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं करते, वो है कि यार एक आइकन और एक लोगो एट लास्ट आप क्रिएट कीजिए, भले ही वो टेक्सचर हो बट फिर भी आप लोग क्रिएट कर, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं। ये ग्राफिक्स बहुत मैटर करते हैं यार हर एक वेबसाइट के लिए, एक अच्छा सा फेव आइकन जो बोलते हैं उसका। एंड मैं तीन टाइप का लोगो यहाँ पर क्रिएट करता हूँ ऑलवेज, एक ब्लैक, एक कलर्ड और एक वाइट, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने टेलीग्राम का भी बनाया, ताकि अभी के टाइम पे आप लोगों को पता है टेलीग्राम पे कितना अपॉर्चुनिटी है, तो टेलीग्राम का एक ऐसा आप बना सकते हैं अपने वेबसाइट पर लगाने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग कस्टमाइज वगैरह करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्लगइन्स इसका और है जो कि हमें एक्टिवेट करना है, जैसे कि ये स्टैंडर्ड पैक वाला एक्टिवेशन करना है हमें। और भाई साहब मतलब स्पीड देख के तो सही में यार मजा आ रहा है इसमें, मतलब ऐसा स्पीड हमें, मैं और भी कई सारे होस्टिंग यूज किया हूँ बट उसमें मुझे कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो चलो अब इसको जो है हम लोग कस्टमाइज करते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। तो सबसे पहले मैं इसका जो ये रखने वाला हूँ वो ये वाला रखने वाला हूँ हेडर, और उसके बाद हम लोगो अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लोगो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जितने भी सारे इमेजेस मैंने की, और इस वाले सेक्शन में हम लोग ब्लैक लोगो लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर ऑल टेक्स्ट जो है इसमें डेफिनेटली हमें एंटर करना है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर ये लोगो सेट कर दिए। उसके बाद फेव आइकन, तो फेव आइकन हम ऑरेंज वाला रखते हैं, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ना लोगो फॉर मोबाइल, इसमें हमें रखना होता है वाइट वाला लोगो, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर वाइट वाला लोगो ऐड कर देंगे। बाकी साइन इन ज्वाइन इन हमें नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल करेंगे। अब बात करते हैं फुटर की, फुटर से हम लोग यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर फुटर कंटेंट इन्फो जो होता है वो हमें डालना है।
फुटर लोगो पे हम लोग व्हाइट वाला सेट करेंगे। फुटर टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन लिख कर रखा है, उसको ऐड करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे। बाकी आप अगर सोशल मीडिया वगैरह ऐड कर सकते हो करते हो तो वो भी कर लेना, मैं नहीं करता। सब फुटर में यहाँ पर हमें लिखना होगा ऑल राइट रिजर्व बाई blogi.in। एंड मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रिक बताया था कि फुटर में ये चीज देने से एडसेंस कॉपीराइटेड वाले चीजों में लग जाता है, वो वाला चीज आप यहाँ पर ये br लगा के इसके नीचे डाल देंगे तो ये लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। नाउ टेम्पलेट सेटिंग्स में जाते हैं, स्मार्ट साइड बार को इनेबल करेंगे, सारे टेम्पलेट को मैं ये वाला टेम्पलेट सेट करूंगा। नाउ पोस्ट सेटिंग में जाएंगे, जनरल पोस्ट सेटिंग, डिफॉल्ट पोस्ट में डिफॉल्ट पोस्ट ही रहने देंगे। पोस्ट एंड कस्टम पोस्ट टाइप, इन सब जगह पर मैं क्या करता हूँ, ऑथर रखता भी हूँ नहीं भी रखता हूँ, तो आप ऑथर कैटेगरी टैग्स वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर से आप डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर शो नहीं करवाना है पोस्ट काउंट, टैग, ऑथर बॉक्स, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू एंड कमेंट काउंट। फीचर इमेज को डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते, फिलहाल के लिए मैं डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पर रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर मैं नहीं, 3x5 ही सही है। शेयरिंग के अंदर आता है, शेयर बटन ऐड करना, बॉटम आर्टिकल और ये सब कुछ ऑफ एंड उसके बाद ये वाला सिलेक्ट करते हैं एंड शेयरिंग के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ टेलीग्राम को स्पेशली और हाँ दैट्स इट, यही सही है। एजेक्स व्यू काउंटर को ऑन, दैट्स इट, ये हमारा हो गया। नाउ ब्लॉग सेटिंग में जाते हैं एंड इस वाले हेडर को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। थम्स एंड मॉड्यूल में जाएंगे, सारे थंबनेल्स को हम लोग डिसेबल कर देंगे, बिकॉज जितना ज्यादा इनेबल करेंगे हर एक थंबनेल का, जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे ना उसका इतने सारे कॉपीज बनेंगे, तो हमें जो जो थंबनेल्स जरूरत है बस उन्हीं को इनेबल करना है। पहले हमें इनेबल करना 150 वाला, 70, 198, that's it, ये हो गया। अब थीम्स कलर में जाएंगे, जनरल थीम कलर में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर को हम लोग यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट कर देंगे। नो बाकी की चीज में हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। अब पहले के टाइम पहले हमारा वेबसाइट दिख रहा था कुछ इस टाइप का, ओके। नाउ जैसे हमने न्यूज पेपर इंस्टॉल किया तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। नाउ इसको सेव करने के बाद अगर हम लोग विजिट करते तो हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा, राइट। नाउ सेटअप मेनू, मेनू सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हो मेनू में, मेनू के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मेनू सेट करना होगा हमें। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज भूल गए, दैट इज क्रिएटिंग लीगल पेजेस एंड कैटेगरीज। तो इन सब चीजों को हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। देखिए लीगल पेजेस के लिए मैं यहाँ पर ये वाला टूल यूज करता हूँ, दैट इज प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डीएमसी जनरेटर, ताकि वेबसाइट में कोई इशू ना आए। यहाँ पर सिंपली आपका वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का लिंक, कंट्री, स्टेट और ईमेल एड्रेस देना होता है, उसके बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ऐसे जनरेट होके आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब इनको हम लोग कॉपी करेंगे और एक एक करके हम हमारे लीगल पेजेस को बनाएंगे। दो पेजेस को ऐड करेंगे और एक पेज ऑलरेडी मौजूद है, दैट इज प्राइवेसी पॉलिसी। हम लोग सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते इसको कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे एंड उसके बाद सारे कॉन्टेंट को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से डिसेबल कर देंगे, इसको सेव करेंगे एंड देन पब्लिश। सेम टू सेम हम इसी के साथ भी करेंगे। उसके बाद हमें कॉन्टेक्ट फोरम भी ऐड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोरम में क्या गलतियां करते हैं बहुत सारे लोग, सिर्फ कॉन्टेक्ट फोरम का जो कोड है वो डाल के छोड़ देते हैं। बट जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करने जाओगे ना दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा इशू आने वाला, बिकॉज यहाँ पर जीरो कॉन्टेंट है। तो एटलास्ट आपको यहाँ पर लिखना होगा कुछ छोटा मोटा कॉन्टेंट, कुछ भी लिखना होगा बट लिखना होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ई कॉन्टेक्ट वाला फोरम आपको बाकी जगह पे भी काम में लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो मैंने छोटा मोटा लिख दिया है ना, उसको पब्लिश कर देते एंड जो डीएमसी वाला पेज हमने ऐड किया था उसके नीचे भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है, ये वाला। तो इससे क्या होगा, और आसानी होगी हमारे, उस पर कोई भी डीएमसी आएगा तो यहाँ से लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। नाउ ये हमने क्रिएट कर लिए पेजेस, नाउ ऐड कर लेते कैटेगरीज। देखो यार मैंने बताया था आप लोग नीच सिलेक्शन करना, और नीच सिलेक्शन के टाइम पे आप लोग कैटेगरी वगैरह भी ऐड करके रखना है। तो हमने कैटेगरी बोले तो यहाँ पर न्यूज, ब्लॉगर और वर्डप्रेस ये सब कुछ ऐड करके रखा है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एंड एक और गलती यहाँ पर लोग करती है, जो अनकैटेगरीज वाला सेक्शन है इसको ऐसे ही रख देते क्योंकि ये डिलीट नहीं होता, बट आपको इसको एडिट करना है और इसको कोई दूसरा कैटेगरी का नाम दे देना है एट लास्ट, ठीक है। वरना क्या होता है, ये बहुत ही वियर्ड सा चीज लगता है, आपके वेबसाइट में एक एरर टाइप का लगता है।
तो इसको ये डाल देने के बाद अपडेट पे क्लिक कीजिए तो आपका ये कैटेगरी भी एडिट हो जाएगा ना, आपका एक मतलब ऐसा बन जाएगा है ना। तो कैटेगरीज वगैरह हमारा यहाँ पर एडिट हो चुका है। नाउ जाते हैं यहाँ पर और हम क्रिएट करते हैं मेन्यूज। सिंपली यहाँ पर देखो कुछ तीन चार टाइप का आपको मेन्यू ऐड करना होता है, फुटर मेन्यू, मेन मेन्यू एंड टॉप मेन्यू। ये तीन तरीके का मेन्यू न्यूज़पेपर थीम में काम में आता है। तो सबसे पहले फुटर मेन्यू में हम लोग ऐड करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, डीएमसीए एंड टर्म्स एंड कंडीशन। ये कुछ लीगल पेजेस होते हैं जो कि आपको यहाँ पर ऐड करना होता है, ठीक है। और यही चीज में इसको किसी एक ही में रखना होगा एंड टॉप के लिए अलग में आप लोगों को बता दूंगा। तो ये तीन लीगल पेजेस है, इसको हम लोग फुटर में ऐड करेंगे। नाउ जाते हैं टॉप वाले मेनू पे एंड टॉप वाले मेनू पे बेसिकली अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस एंड जो एडवर्टाइजिंग वाला पेजेस है ना उनको ऐड करते हैं। तो अभी के टाइम पे मैंने कॉन्टैक्ट अस ही ऐड करके रखा है, आप लोग वो सारे मेनूज भी यहाँ पर क्रिएट कर लेना। इसको हम लोग टॉप हेडर वाला सिलेक्ट करके सेव चेंजेस में क्लिक कर देंगे। नाउ बात करते हैं मेन मेनू की। तो मेन मेनू में हम लोग यहाँ पर होम बटन का ऐड करेंगे एंड उसके बाद जितने भी सारे कैटेगरी से इसको हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। देखो यार ये चीजें ना नहीं करने की वजह से आपका एडसेंस नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है, बिकॉज गूगल क्लियरली बताता है कि आपके उस पर प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए तब जाके हम लोग वहाँ पर एडसेंस देंगे। अब यहाँ पर देखो एक प्लगइन हमें काम में आने वाला है, दैट इज हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था डब्ल्यू पी मेन्यू आइकन्स। ये आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो ये करने से क्या होगा, हम लोग यहाँ पर आइकन्स वगैरह ऐड कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आइकन ऐड कर लेता हूँ होम वाला एंड सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर। नाउ हमारा एक और चीज़ बाकी है, दैट इज विजेट। तो विजेट में जाएंगे और यहाँ पर से हम लोग फुटर विजेट वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे जो टैग डी ब्लॉक 7 है उसको फुटर 1 पे लगाएंगे, फुटर 2 पे एंड फुटर 3 पे, ठीक है। अब यहाँ से आप मैट्रिक्स वगैरह चूज कर सकते हैं, दैट इज लेटेस्ट। लेटेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पर से हम लोग मैट्रिक्स सिलेक्ट कर देते हैं ऑल कैटेगरी और यहाँ से लेटेस्ट सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, इस पे हम लोग लिखेंगे ट्रेंडिंग। और इसको अभी क्योंकि ये नया वेबसाइट है बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल यहाँ पर कोई भी अलग मैट्रिक लगाएंगे लाइक पॉपुलर लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, हाईएस्ट रेटेड लगाएंगे वो भी काम नहीं करेगा, मोस्ट कमेंटेड वो भी काम नहीं करेगा, बिकॉज अभी भी इसमें कुछ नहीं है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ही रखने वाले हैं, बस हम लोग थोड़ा सा नाम इधर उधर चेंज कर देते हैं, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर अभी बहुत सारे चेंजेस किए हैं ना। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा व्यू करके देखते हैं। पहले तो देखो इस टाइप का दिख रहा था, अब इसको जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये किस टाइप का दिख रहा है ना। ना हम लोग साइड बार में भी कुछ नहीं लगाया यार, तो साइड बार में कुछ तो लगाना बनता है, तो यहाँ पर भी हम लोग साइड बार में भी 7 वाला ही लगाते हैं तो बेटर रहेगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये किस टाइप का रहा है। अब देखो ये जो है ना यहाँ पर स्टिकी हो रहा है, मेनू देख सकते हैं यहाँ पर स्टिकी हो जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पर थीम पैनल से स्मार्ट जो साइड बार है उसको एनेबल किया था, जिस वजह से दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आइकन वगैरह दिख रहा है जिससे और भी ये बहुत ही कूल लग रहा है। नाउ यहाँ पर कुछ सीएसएस है जो इस टाइप के इस थीम में मैं यूज करता हूँ, उसको भी मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर इस थीम का खासियत ये है कि आप लाइव यहाँ से सीएसएस वगैरह ऐड कर सकते हैं। देख सकते हो ये ऐड करने से पहले कैसा था और ऐड करने के बाद कैसा देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये ऐड किया, ये आप लोग ध्यान से देख लो, जिसकी वजह से मैं इसको ऐड करता हूँ। तो ये सीएसएस भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अमेजिंग सा आ रहा है। अभी सिंगल पोस्ट में जाके देखते हैं किस टाइप का दिख रहा है ये। यहाँ पर भी देखो देख सकते हो कैसा आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये सीएसएस वगैरह हटा देंगे ना तो यहाँ पर देख लो ये किस टाइप का दिख रहा था सिंगल पोस्ट में भी, ठीक है। बट जैसे हमने यहाँ पर इसको डाल दिया ना यहाँ पर एक और छोटा सा सिंपल सा काम रह गया कस्टमाइजेशन के अंदर, जिसको हमें कस्टमाइज पे जाना है और करना है। और यहाँ पर जाकर यहाँ से हमें फेव आइकन को कर देना है सिलेक्ट, और मुझे लगता है यहाँ से थीम का जो लोगो है इसको हमें चेंज करना चाहिए और यहाँ पर हमें स्टिकी हेडर लगाना चाहिए। तो उसके वजह से मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा एडिट करूँगा, मेन मेनू पे क्लिक करके इसको हम लोग स्टिकी ऑलवेज स्टिकी पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर से लोगो हम लोग चेंज करते कलर वाले लोगो पे, देखते हम लोग कैसा आएगा ये। और लोगो स्टिकी पे जो लोगो रहेगा वो हेडर लोगो या फिर मोबाइल लोगो, तो हम लोग मोबाइल लोगो सिलेक्ट करके बिकॉज मोबाइल लोगो वाइट है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सेव करके कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऐसा दिख रहा है, और जैसे इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये इस टाइप का आएगा, है ना। बहुत ही मस्त चीज़ है। ना यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करते हैं, ओजेट सेक्शन में जाते हैं और एक इमेज लेंगे हम लोग हेडर साइड बार में, जहाँ से हम लोग हमारा टेलीग्राम वाला सिस्टम ऐड करेंगे, क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप अपने टेलीग्राम का लिंक दे देना ताकि कोई भी आकर आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे। एंड इवन मैंने कुछ एड्स वगैरह भी बनाए तो उस एड्स को मैं सेटअप कर लेता हूँ। सिंपली न्यूज़पेपर थीम में जाएंगे, एड्स में जाएंगे एंड हमने यहाँ पर सेटअप किया है इन आर्टिकल एड्स, बॉटम आर्टिकल एड्स, आर्टिकल टॉप एड, साइड बार में एक एड और एक हेडर में एड, ठीक है।
तो न्यूज़पेपर थीम का ही खासियत है कि इसमें बहुत सारे एड्स का ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम पे हमने लगा दिया, यहाँ पर हेडर में भी एक ऐड लगा दिया। एंड अगर हम लोग किसी भी एक आर्टिकल सिंगल आर्टिकल को खोले तो उस पर देख सकते ये आर्टिकल टॉप ऐड आ रहा है। इनलाइन आर्टिकल का जो ऐड है मतलब एक दो पैराग्राफ को छोड़ के फिर जो ऐड आता है वो वाला ऐड, एंड जो बॉटम वाला ऐड वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो अब हमारा जो वेबसाइट है वो परफेक्ट लुक यहाँ पर ले चुका है। नाउ ये रहा था 50% काम, मेन काम तो भाई अभी बाकी है, दैट इज स्टेप 3 SEO सेटिंग्स, जहाँ पर हमें टोटल चार तरीके के SEO करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल इज वर्डप्रेस का बेसिक SEO सेटिंग्स, और उसको करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा वर्डप्रेस के सेटिंग में, एंड यहाँ पर जाकर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। फॉर सबसे पहले तो यार ये जो हमारा टाइटल इसको हमें चेंज करना है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉगी डॉट इन, ब्लॉगिंग इज ईजी, ठीक है। आप देखो आप अपने हिसाब से अपने वेबसाइट के हिसाब से कोई टैगलाइन वगैरह ऐड कर लेना। नाउ यहाँ पर से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू सेटिंग करना है। देखो अगर आप अपने वेबसाइट को लोग के लिए कोई इंटरनेशनल टारगेटिंग वगैरह कर रहे तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर आप किसी भी वेब पेज को यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ से अगर आप व्यू पेज सोर्स पे करेंगे एंड यहाँ पर US लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो HTML लैंग्वेज जो है ना यहाँ पर देख सकते हो ये USA का बना हुआ है, ठीक है। एंड ये आपको बाद में जब USA SEO वगैरह इंस्टॉल करोगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी बिकॉज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सिलेक्टेड इसलिए वो दिखा रहा है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश या पुर्तगीज किसी में भी, तो इसको क्लिक करना है, क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो क्या तो इससे क्या होगा HTML में आपका जो हर्फ लैंग होता है यानी कि लैंग वाला जो टैग होता है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जिससे गूगल ये डिटेक्ट कर लेगा कि जी हाँ भाई ये जो वेबसाइट इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है, फिलहाल के लिए हम इसको इंग्लिश में ही लिख के रखेंगे बिकॉज हम लोग यहाँ पर इंग्लिश पे ही इस वेबसाइट को सेटअप कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर टाइम जोन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, आप यहाँ से अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कोलकाता, आप अगर अलग कंट्री से देख रहे हो तो या फिर आप अलग कंट्री के लिए कर रहे हो तो उस कंट्री का टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना होगा। ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, इंडेक्सिंग में। तो ये कुछ बेसिक ऐसी सेटिंग्स है जिसको करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे से जाना है आपको परमा लिंक पे, एंड यहाँ से आपको पोस्ट नेम के वाइज आपको कर देना है, ठीक है, दैट्स इट। अब वर्डप्रेस का जो बेसिक ऐसी सेटिंग्स है वो इतना ही है। नाउ यहाँ पर हम लोग और बाकी के सेटिंग्स करते हैं, जैसे कि यूएस एसी को सेटअप करना। तो सिंपली हम USDC को छोड़ के रखे थे कि इसको बाद में इंस्टॉल करेंगे, इसको हम यहाँ पर एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर सेटअप के लिए मांगेगा, सिंपली सेटअप करेंगे। और हमारा यहाँ पर क्योंकि वर्डप्रेस का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है जिस वजह से यहाँ पर मुझे किसी भी एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली जो ईमेल एड्रेस है इसके अंदर मेरा किया हुआ है। तो यहाँ पर आ गए, इसको अप्रूव कर देंगे और यहाँ पर सिंपली हमें रिडायरेक्ट कर देगा Jetpack के एक प्लगइन सेक्शन में, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है स्टार्ट फॉर फ्री, दैट्स इट। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें मांग रहे हैं बट इसको हम लोग बाद में करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप नए हो तो आप लोग को ये सारे कुछ नहीं दिखाएगा, इसके लिए आप YouTube से कोई सा भी एक वीडियो वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर से, जिसके थ्रू आप लोगों को एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से जो वर्डप्रेस जेटपैक को सेटअप करते हैं। और ये जेटपैक सेटअप करने का मतलब एक ही, बार बार हम लोग एनालिटिक वगैरह नहीं देख सकते, इसलिए हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड में कितना विजिटर है क्या कुछ है वो सब कुछ दिखा देगा। तो उसके लिए हमें जेटपैक लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से कम्प्लीटली हम लोग सेटअप कर लेते हैं, दैट इज पर्सनल है ये हमारा। एनेबलिंग डाउन टाइम ये आप एनेबल करके रखिए ताकि आपका उसे जब भी डाउन जाए आपको एक ईमेल चला जाए। नॉट नाउ पे क्लिक करते हैं, नॉट नाउ, ठीक है, ये कर लिया। फिर से सेटिंग में आएंगे और ये जो प्रोटेक्ट वाला है ना इसको हम डिसेबल कर देंगे। नाउ वर्डप्रेस हमारा बिल्कुल सेटअप हो चुका है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर USDSEO की, तो इसको हमें सेटअप करना है, एक्टिवेट कर लेते हैं प्लगइन। और ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे USDSEO को सेटअप करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज USDSEO को ही जो है आपके पेजेस का जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको संभालता है, ठीक है। तो यहाँ पर से सिंपली हम लोग जाएंगे किस पे, पहले तो जाएंगे सर्च अपीयरेंस में और यहाँ से हम लोग सर्च अपीयरेंस डिसाइड करेंगे, ये वाला मैं चीज सिलेक्ट करूंगा। और साइट टाइटल एंड टैगलाइन क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा है इसलिए इसको ऐसे एज इट इज रखेंगे। उसके बाद जो मेन डिस्क्रिप्शन हमारे वेबसाइट का उसको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर डाल देंगे। नाउ यहाँ से आपको एक सोशल इमेज सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप कोई बैनर वगैरह बना के रखेंगे, आपके वेबसाइट का जो थंबनेल होता है वो अगर बना के रखेंगे तो बेस्ट होगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर आपका वेबसाइट का टाइटल यहाँ पर लिखना है, एंड देन यहाँ से आपका जो वेबसाइट का लोगो है उसको सिलेक्ट करना है। आप फेयर आइकन भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड लोगो भी, मैं लोगो सिलेक्ट करता हूँ पहले। और दैट्स इट, ये हमारा हो गया बेसिक सेटिंग। नाउ कंटेंट टाइप्स में जाते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर न्यूज़पेपर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वाला चीज़ आप ऑफ करके रखना, सिर्फ पेजेस एंड पोस्ट को आपको सिलेक्टेड रखना है, ठीक है।
इसका क्यों रीज़न है, बिकॉज देखो हमें फालतू की चीज़ें इंडेक्स नहीं करवाना है। अगर हम हमारे वेबसाइट के साइड मैप में जाएंगे यहाँ से तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे चीज़ें आ रहा है ना। हमें इतना सब कुछ नहीं रखना है, हमें सिंपली एक एक करके कैटेगरी को डिसेबल करना है, टैग्स को डिसेबल करना है, फॉर्मेट्स को डिसेबल करना है, आर्काइव में जाके ऑथर को, डेट को, दैट्स इट। तो ये मेक श्योर रहेगा कि आप इनको डिसेबल करें। अगर आपका वेबसाइट है देन आप टैग्स वगैरह या कैटेगरी वगैरह को काम में लगा सकते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पर वेबसाइट नहीं क्रिएट कर रहे इसलिए इसको हमें इनेबल नहीं करना है। तो सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे ना, उसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना सा मतलब बस थोड़ा सा कॉन्डेट है। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज सोशल मीडिया। दोस्तों यहाँ पर iOS SEO में आप भी डेफिनेटली कोई ना कोई सोशल मीडिया आपको ऐड करना ही होगा, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है SEO के अंदर, तो इसको आप डेफिनेटली ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक एक करके URLs को ऐड कर लेता हूँ। तो मिनिमम मैंने यहाँ पर 3 सोशल मीडिया ऐड किया है, दैट्स इट। सेव पे क्लिक करते हैं। अब देखो ये पहले इस टाइप का दिख रहा था, ठीक है, कैसा इसका बैकएंड था, मेटा वगैरह कैसा था, लेकिन जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और इसको दिखाऊंगा तो देखो इस टाइप से ये आएगा बैकएंड में, जो मेन मेटा होता है, मेन हमारा SEO होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा थंबनेल शो हो रहा है, यहाँ पर हमारा यूज़र नेम वगैरह जो ट्विटर का है, ये इन सब का, इंस्टाग्राम का शो हो रहा है, एंड यहाँ पर हमारा फेसबुक का भी शो हो रहा है। इवन टाइटल वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है अपने आर्टिकल का, वो भी सब यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ US SEO की वजह से होता है। तो मेक श्योर आप मैंने जैसा बताया बिल्कुल उसी टाइप से अपने US SEO को सेटअप कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। भाई इतने सालों के बाद जाकर ये चीज़ मुझे समझ में आया, ठीक है। एक और SEO सेटिंग है, आपको सर्च अपीयरेंस पे जाना है, कॉन्टेंट टाइप्स में जाना है। अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट जो आर्टिकल टाइप है ना, यहाँ पर डिफॉल्ट आर्टिकल ही रहेगा, लेकिन आप यहाँ से चेंज करना होगा। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो तो यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल सिलेक्ट करके रखिए, अगर आप कोई भी दूसरा टेक आर्टिकल तो वो सिलेक्ट करके रखिए, अगर आप चाहते कि नहीं भाई हमारा अलग ही टाइप का कॉन्टेंट है तो आप नन सिलेक्ट करके रखिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपको आर्टिकल की तरह दर्शाएगा नहीं, जैसे ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, एक आर्टिकल होता है और जिसमें हमें बहुत सारा कंटेंट लिखना होता है, बट वेबसाइट में हमें बहुत सारा कंटेंट नहीं लिखना होता है, इस वजह से हम लोग वहाँ पर आर्टिकल टाइप का स्कीमा नहीं दे सकते। तो इसको मेक श्योर आप सेटिंग कर लेना अपने ब्लॉग के हिसाब से। फिलहाल के लिए ये क्योंकि एक ब्लॉग है और इसमें मुझे आर्टिकल लिखना है, इसलिए मैं आर्टिकल ही सिलेक्ट करके रख दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल से ध्यान रखिएगा। नाउ फाइनली आता है सेटअप साइट किट। तो देखो यार हमने वेबसाइट पूरी तरीके से बना लिया है, ठीक है। अब ये जो हमारा वेबसाइट है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर गारंटी से, अगर इसी टाइप का डिज़ाइन रहा बिल्कुल ऐसे टॉप मेन्यू, फिर उसके बाद मेन मेन्यू, उसके बाद फुटर वाला ये सेक्शन ऐसा रहा, और ये जो सारे डेमो पोस्ट है, बट डेमो पोस्ट के वजह अगर मैं यहाँ पर ओरिजिनल जितने ही पोस्ट यहाँ पर कुछ आई थिंक 10 या 15 पोस्ट हैं, अगर इतने ही आर्टिकल में यहाँ पर लिखूँ दोस्तों जो कि जेन्युइन होगा, तो डेफिनेटली 110% यहाँ पर मुझे एडसेंस लेने में कोई भी इशू नहीं होगा, बिकॉज एडसेंस जितने भी सारे गलतियाँ निकालते हैं ना, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट कर चुका हूँ। सिवाय कि आप अगर कॉपीराइटेड चीज़ में लेना चाहें तो उसके लिए मेरा वो कॉपीराइटेड एडसेंस वाला वीडियो देख लेना, बिकॉज उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना होता है, लेकिन इस टाइप का ब्लॉग बनाओगे एडसेंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन ये जो ब्लॉग है बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली प्लस SEO फ्रेंडली तो होता ही होता है, और इस टाइप का वेबसाइट दिखने में जो है ना, इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये डेफिनेटली रैंक करने में बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान। नाउ यहाँ पर हमारा मेन काम कर लेते हैं, दैट इज साइट किट प्लगइन को एक्टिवेट करके उसको सेटअप करना, ध्यान से आप लोग देखना। एंड इवन अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी डेमो कॉन्टेंट है तो उसको पहले रिमूव कर लेना, एंड एक्चुअली कुछ आर्टिकल अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ 10-15 जेन्युइन आर्टिकल लिख लेता हूँ और उसके बाद जाकर सर्च इंजन को इंडेक्स करवाता हूँ, ठीक है। एंड इवन जो हमने सर्च इंजन से छुपा के रखे थे अपनी वेबसाइट को, यहाँ पर रीडिंग में जाके उसको हमें डिसेबल करना होगा। तो बिल्कुल आप मेक श्योर रहिए कि आपका वेबसाइट बिल्कुल से रेडी है, कंटेंट वगैरह सब कुछ आपने मस्त तरीके से कर लिया है, एंड आपके वेबसाइट को अभी पब्लिश करने की ज़रूरत है, यानी कि आप पब्लिकली उसको इंडेक्स करवाना चाहते हैं, तब जाके आप ये वाला प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो आप वो कर लेना, मैं फिलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक्टिव प्लगइन पे क्लिक करेंगे, इसको एक्टिवेट कर लेंगे और ये इस टाइप का कुछ रिफ्रेश लेगा, एंड यहाँ पर ये आ जाएगा। इस प्लगइन के बाद जो है ना, बहुत ही आसान हो गया है गूगल को अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे और एक एक करके हम हमारे सारे जितने भी सारे चीज़ें उसको ऐड कर लेंगे। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ ऑलरेडी, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर लेना। सिंपली हम हमारा अकाउंट के लिए सिलेक्ट करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे, अगेन अलाउ पे क्लिक करेंगे। अब इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली गूगल का जो सर्च कंसोल है उसके साथ ये ऐड हो जाएगा, जैसे हम ऐड साइड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन वगैरह का कोई झंझट ही नहीं भाई साहब,
बिल्कुल एक ही प्लगइन के थ्रू आप सर्च कंसोल से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड इवन एनालिटिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर से अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, अलाउ पे क्लिक करते हैं और आपको अगर एग्जिस्टिंग कोई एनालिटिक अकाउंट होगा तो उसके साथ ये मर्ज हो जाएगा, और नहीं होता है तो आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, इंटरनेशनल माइक्रो म्यूजिक ओके इंटरनेशनल पे ही सिलेक्ट करके रख देता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी तो कोई नहीं है तो इसलिए हमें उसके बाद सेटअप पे न्यू प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉन्फ़िगर एनालिटिक पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगेन हमारा ईमेल चूज करना होगा, अलाउ पे क्लिक करना होगा। अब ये क्या हो रहा है, ये हमारा एक एनालिटिक अकाउंट क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। दैट्स इट, हमारा एनालिटिक कोड पेज भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब। नाउ यहाँ पर पेज स्पीच इनसाइट को भी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा वेबसाइट का क्या इशू आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो सब कुछ यहीं पर शो करवा दिया जाएगा। नाउ यहाँ पर बात आता है एडसेंस की, तो देखो एडसेंस का तो अभी फिलहाल नहीं बता सकते बिकॉज वेबसाइट बिल्कुल डेमो है। बट जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो ब्लॉगर में तो हमें फीचर मिलता था कि भाई डायरेक्टली हम एडसेंस के साथ हमारे ब्लॉगर अकाउंट को कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन वर्डप्रेस पे फीचर नहीं था। अभी के टाइम पे ये वर्डप्रेस में भी आ चुका है, कनेक्ट सर्विस पे क्लिक करके आप सिंपली डायरेक्टली एडसेंस को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते, गूगल सब कुछ देख लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने वेबसाइट तो बिल्कुल मस्त तरीके से क्रिएट कर लिया एंड डेफिनेटली आप लोग अगर इतना तक सीख गए, इतना तक देख लिए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख देना कि यस मैंने लास्ट तक देखा, तो उससे मुझे इतना तो भरोसा मिल जाएगा भाई इतने देर से इतने मेहनत से ये जो वीडियो बना रहा हूँ इतना एट लास्ट कुछ लोगों ने इसका अहमियत दिया एंड लास्ट तक देखा, एक्चुअल में वो लोग ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इससे समझ में आएगा। तो डेफिनेटली यार कमेंट बॉक्स में बता देना बस इतना ही, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस किस बंदे ने जो लास्ट तक देखा, ठीक है। ऐसा बस ऐसा लिख देना, आई एम द लास्ट, ओके। एंड क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल एंड तक देखा है इसलिए मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए कुछ बनता है, तो ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह नहीं दूंगा डेफिनेटली, बस यहीं तक जो लोग देखें उनको ही पता चलेगा। यहाँ पर techreport.com में आप विजिट करोगे तो एक आपको इस टाइप का पोस्ट मिलेगा जहाँ पर आपको इतना बचत में करवाने की कोशिश करूँगा। ये जो टोटल थीम का डिज़ाइन है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार इतना डिज़ाइन कौन करेगा, आप नए नए हो, तो सिंपली मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ब्लॉगी न्यूज़पेपर थीम कोड इस नाम का फाइल दूंगा जिसके अंदर आपको ये सारे कोड्स मिले, इनको सिंपली आपको कॉपी करना है, न्यूज़पेपर थीम के पैनल में आना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में क्लिक करना है एंड यहाँ पर इंपोर्ट थीम सेटिंग्स ना, यहाँ पर आपको ये पेस्ट करके इंपोर्ट थीम सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है और उसके बाद डिट्टो ऐसा आपका बन जाएगा आपके पूरे एंटायर वेबसाइट का। मेक श्योर कि जो जो प्लगइन्स मैंने बताया वो प्लगइन्स इंस्टॉल रहे एंड जो लोगो है यही वाला लोगो आएगा, तो आप लोगो वगैरह एंड फेव आइकन वगैरह चेंज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये सारे डिटेल्स वगैरह आप चेंज कर लेना, बस आपको डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इवन जो ये CSS है ना, CSS कोड लाइव CSS वाला, ये कोड का भी मैं डाउनलोड लिंक यहीं पर डाल दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉगी CSS, तो इसको भी डाउनलोड करके आप कर सकते हो। तो हाँ जब भी अभी जाओ इनको डाउनलोड कर लो, छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। नाउ यहाँ पर बात करते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यार देखो मुझे पता है आप लोग वेबसाइट सेटअप कर लोगे बट उसके बाद जो इशू आएगा आप लोगों को वो आएगा कंटेंट लिखने में, तो आप लोग वो वाला तो कमेंट करोगे, दूसरा एक और कमेंट करना कि आप लोगों को एक ऐसा वीडियो मांगता है क्या जिसमें मैं आपको A to Z बताओ कि कैसे कंटेंट लिखना है। जी हाँ भाई दोस्तों, कैसे एक फुल SEO ऑप्टिमाइज एकदम खतरनाक टाइप का कंटेंट कैसे लिखा जाता है, अगर इसमें आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा ना तो दूसरे दिन ही आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मिल जाएगा कि कैसे हम लोग बिल्कुल SEO फ्रेंडली बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम खतरनाक लेवल का आर्टिकल लिखना सीखेंगे। मैं पर्सनली कैसे लिखता हूँ जो कि गारंटीड से रैंक होता है, ठीक है। तो वो वाला वीडियो के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम पूरा स्पैम कर दीजिए तो डेफिनेटली वो वीडियो आएगा, वरना नहीं आएगा, चिंता मत करो। तो वेबसाइट हमने बिल्कुल से बना लिया, अब इस वेबसाइट को जाकर आप लोग देख सकते हो किस टाइप सा है, आपको blogi.in पे विजिट करना है, देख सकते हो कि बिकॉज ये आई थिंक कुछ एक हफ्ते के लिए रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर नया एक्सपेरिमेंट चालू हो जाएगा। तो बस इसको यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, हमने सक्सेसफुली एक बहुत ही मस्त तरीके से ब्यूटीफुल से एकदम चमक छल्लो जैसा वेबसाइट क्रिएट कर लिया। सो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली यार कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा अगर आपको कोई भी बड़ी दिक्कत आती है तो। एंड नेक्स्ट मैंने जैसे कि आप लोगों से पूछा कि यार अगर आप लोग ब्लॉगर में भी चाहते हो वाला सेम वीडियो के ब्लॉगर में कैसे सेट करते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में बताना। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।